जी हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सचिन और गाइज आज को हम फिर से एडिट करने वाले हैं एक और ब्रांड न्यू टोन। सो गाइज आज की हमारी जो टोन है आपको मिलेगी कैसियो सिटी एक्स 9000 इनके अंदर 250 नंबर पे स्ट्रिंग ORT के नाम से, जो कि कुछ इस प्रकार से प्ले होती है। सो गाइज इसी टोन को हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद इस टोन को हम दो प्रकार से बनाएंगे। हो सके तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि गाइस जब भी हम किसी टोन को एडिट करते हैं तो मैं हर बार कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ इफेक्ट बताते हैं और आप आधी अधूरी वीडियो देख के ही टोन को एडिट कर देते हैं। सो गाइस तब आपका जो टोन है सही तरीके से नहीं बन पाता, इसलिए कहता हूँ कि हर बार जो भी टोन हम एडिट करते हैं उस वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ की अधूरी जानकारी न मिले। अभी हम दो टोन एडिट करेंगे। नंबर वन पे हम जिस टोन को एडिट करेंगे वो भी सेम रहेगी, जो नंबर दूसरे नंबर में हम जिस टोन को एडिट करेंगे वो भी सेम रहेगी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है कुछ अलग रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टोन हम लेंगे 250 नंबर पे स्ट्रिंग ORT के नाम से। एडिट करने के लिए हर बार की तरह हम फंक्शनिंग बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। तो मैं आपको अपना पैरामीटर दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी टोन ले लूँगा। हम 250 नंबर वाले टोन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपकी स्क्रीन में लिखा आएगा अटैक टाइम, तो इसको आपने 66 नंबर पे रखना है। आप पूरा यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तीन नंबर से आगे आएंगे तो रिलीज टाइम हमारा 55 नंबर पे रहेगा। तीन नंबर से आगे आएंगे तो हमारा 67 कट ऑफ रहेगा। इससे तीन नंबर प्रेस करेंगे तो रेस्टोरेंस हमारा 68 नंबर पे रहेगा। यहाँ से एडजस्ट कीजिए या फिर प्लस या माइनस का यूज़ कर सकते हो, जो भी नए लोग हैं। तीन नंबर से आगे आएंगे तो फिर से आएंगे, ये डिफॉल्ट रहेंगे सब कुछ। इसके बाद आपने सीधा रिवर्ब साइड में आना है, जो आपका 68 नंबर पे रहेगा। तीन नंबर से आगे आएंगे तो कोरस साइड हमारा 53 नंबर पे रहेगा। तीन नंबर से आगे आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिले साइड है उसको हमने कम करना है, 100 नंबर पे रहेगा। इसके बाद चार नंबर से एग्जिट करें, फिर से यस। तो अभी हमारा पहला टोन बना है, तो किस प्रकार से बना देख लेते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देता हूं। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि यह अलग टोन जो है पहले भी ऐसा था, अब भी वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको हाई रेंज में प्ले करते हो तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। गाइज जिस प्रकार का हमने इसका अटैक टाइम और रिलीज टाइम रखा है, उसी हिसाब से अगर आप इसको एकदम फास्ट प्ले करते हो, टियर ओलैंड के कीबोर्ड में आपको जो इफेक्ट मिलता है तो उसी प्रकार का इफेक्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा पहला टोन रहा। अब देखिए अभी इसी टोन को हम दूसरा टोन भी बनाते हैं, तो सेम पैरामीटर आप फिर से यूज कर लेना, लेकिन उसमें सिर्फ आपने दो नंबर को अलग रखना है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार स्क्रीन पे। तो सेम टोन को हम फिर से सेम पैरामीटर से एडिट करेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ हमने दो पैरामीटर अलग करने हैं, जो कि हमारे रहेगा अटैक टाइम, तो इसको हमने बढ़ा के 70 करना है, और जो हमारा रिलीज टाइम है उसको हमने बढ़ा के 70 करना है। अभी हमारा जो टोन है गाइज एक सेलो टाइप रहेगा, यानी जब हम किसी लाइव शो में, किसी कथा जागरण में, बैकग्राउंड में जब कोई कहानी चलती है या कोई किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो बैकग्राउंड में जो एक सैलो टाइप इफेक्ट रहता है उस इफेक्ट को अब हम यहाँ पर यूज करते हैं। थोड़ा सा हम रिलीज टाइम फिर से बढ़ा देंगे 79 नंबर, 80 नंबर पे, और अटैक टाइम भी हम 77। अभी अगर हम इसका टच ऑन कर देंगे तो कह रहे हम एग्जिट करेंगे, यस यस, और अब हम इसका टच ऑन करके देखते हैं। अभी हमने टच ऑन कर दिया, आप देखेंगे कि ये किस प्रकार के फैट था।
देखिए गाइज, अब आप इसको स्लो टाइप भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसमें लीड टाइम अटैक टाइम थोड़ा सा बढ़ा के ये हमारी सेलो टाइप का टोन का भी काम करता है, तो हम इसको फिर से डिफॉल्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से गाइज आप दोनों टोन को अलग अलग यूज कीजिए, लेकिन जब आप सेकंड टोन को एडिट करोगे तो याद रखना कि 250 वाली नंबर ही एडिट करनी है, लेकिन पैरामीटर पहली वाली टोन की चाहिए, उसमें सिर्फ अटैक टाइम और अपने रिलीज टाइम को अलग अलग करना है। मैंने इसलिए पूरा नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी लोग देख नहीं पाते। तो गाइज आज की वीडियो फिलहाल इतनी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर जाना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।